आज हम आपको बता रहे हैं सकट चौथ व्रत की कथा। एक नगर में कुंभकार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाने के लिए आम लगाया, जिसमें आम नहीं पका और उसके लाख कोशिशों के बाद भी आम नहीं पका और वह हार कर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आम लगाते समय आपको किसी बच्चे की बलि देनी होगी। राजा का आदेश हो गया, बलि आरंभ हो गई। जिस भी परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता था। इसी तरह कुछ दिनों के बाद सकट के दिन एक बुढ़िया की लड़की की बारी आई। बुढ़िया के लिए लड़का जीवन का सहारा था। आप तो जानते ही हैं, राजा की आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, अगर वह भी मुझसे जुदा हो जाएगा तो मेरे पे संकट आ जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूध का पीड़ा देकर कहा कि बेटा, भगवान का नाम लेकर आव पर बैठ जाना। बालक आव में बैठा दिया गया। पहले तो आव पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन माँ की कृपा से एक ही रात में आव पक गया। सवेरे कुंभकार ने देखा तो हैरान रह गया, आव पक गया था। बुढ़िया का बेटा और अन्य सभी बालक जिनकी बलि दी गई थी वे भी जीवित हो उठे। नगरवासियों ने सकट की महिमा को स्वीकार किया तथा लड़के को भी धन्य माना। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपने सुझाव नीचे हमें कमेंट बॉक्स पे दीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।